एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज लेके आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से सोया चाप की सब्जी, 100% वेजिटेरियन। आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से बनाते हैं। वेज सोया चाप, बिल्कुल वेजिटेरियन है 100%। ये वजन में करीबन 250 ग्राम है, तो इसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे। इसमें आइसक्रीम स्टिक होती है, ये देखिए इस तरह से। मैं भी कट करूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे होती है आइसक्रीम स्टिक। इस तरह से आप पीसेस को कट कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप स्टिक के साथ भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से ये देखिए स्टिक होती है, इसको इस तरह से खींच के हम निकाल लेंगे बाहर, तो ये निकल जाती है। और इस तरह से हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए सारी चाप हमारी कट हो चुकी है। ये 100% वेज है। आप देखिए, ये ना सोचिए मैं नॉन वेज बना रही हूँ, मैं 100% वेजिटेरियन और वेजी रेसिपी बनाती हूँ। इसके लिए लिया मैंने एक मिक्सिंग बाउल, और इसमें हम सारी चाप को ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। अब इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें 2 चम्मच, बड़े चम्मच भर के दही। ये देखिए गाढ़ा दही लेना है आपको, अगर पतला होगा तो कपड़े में डाल के उसको गाढ़ा कर लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे हम मसाले, करीबन 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, नमक आपके स्वाद के अनुसार, और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। और सारी चीज़ों को मिक्स करके, ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है आपको दही के अंदर, ताकि मसाले और सब इस चाप पे लग जाए। देखिए अच्छे से दही और मसाले सारे इस पर लग चुके हैं, तो इसको हम ढक के साइड में रख देंगे और बाकी की तैयारी करेंगे। इसलिए मैंने हैंड चॉपर, इसमें डालूंगी करीबन 1 इंच अदरक, जिसको मैंने छील के छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, और 2 डालेंगे हरी मिर्च। मिर्च आपके स्वाद के अनुसार, अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 छोटे साइज के प्याज, जिसको मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए, अगर आप चाहे तो इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर इससे बड़े आसानी से हो जाता है, बहुत ही फाइनली एकदम दरदरा सा पेस्ट हमारा तैयार होता है, इसलिए मैं इसी के अंदर इसको चॉप कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं 2 प्याज डाल दूंगी और इसको बंद करके ग्राइंड कर लेंगे। देखिए प्याज, अदरक और हरी मिर्च हमारे अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। रखी है गैस पे कढ़ाई, इसमें डाले हैं 2 चम्मच ऑयल। इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा लेते हैं। अब इसमें डाला है 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ा सा तेज पत्ता, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और 5-7 दाने काली मिर्च के। सारे खड़े मसाले डल चुके हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल दूंगी ग्रेट किया हुआ प्याज, अदरक और हरी मिर्च, और इनको लगातार भुनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए प्याज हमारे भुन चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ग्रेट किया हुआ टमाटर, 2 पीस मैंने लिए हैं, जिसको टमाटर को ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। अगर आप लहसुन डालेंगे तो इस स्टेज पर आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। मैं भी डालूंगी, पर मैं लहसुन का पाउडर डालूंगी, तो इसलिए थोड़ा रुक के डालूंगी। ये देखिए सभी चीज़ को मिक्स करेंगे और इसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड करेंगे, ड्राई मसाले। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि चाप के अंदर मैंने ऑलरेडी मसाले डाले हुए हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच ही धनिया पाउडर। सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे और जब तक भूनेंगे जब तक हमारा मसाला ऑयल ना छोड़ दे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा काला नमक। काला नमक से सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, करीबन 1/4 चम्मच है छोटा चम्मच से। और इसमें मिलाएंगे हम SDS का
सोया चाप मसाला करीबन एक चम्मच, एक चम्मच डाल दूंगी इसमें सोया मसाला। और इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर, क्योंकि मेरे पास गार्लिक पाउडर है तो एक चम्मच में गार्लिक पाउडर भी डालूंगी। मार्केट में बड़े आसानी से गार्लिक पाउडर अभी मिल जाता है। अब इस सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बड़ी अच्छे से इसमें से खुशबू आ रही है। मसाले, सारी मसाले की ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर दूंगी दही लगाए हुए चाप जो हमने रखे थे। ये सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इस सब्जी को आप रोटी, चपाती, नान, लच्छा पराठा किसी के भी साथ खाइए, बड़ी टेस्टी लगती है। वेज रेसिपी है और इसमें हाई प्रोटीन होता है। तो अगर आप चाप के शौकीन हैं तो इस तरह से चाप बना के जरूर देखिए। वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। ग्रेवी आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कितनी चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं करीबन इसमें हाफ कट, एक कटोरी से भी ज़्यादा इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के 2 से 5 मिनट तक हम कुक होने देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए सभी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको ढक दूंगी 2 से 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। सब्जी को देखते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, ऑयल भी छोड़ दिया, इसका मतलब हमारी परफेक्ट ये सब्जी अब तैयार है। अब इसमें मैं फाइनली मिला दूंगी थोड़ी सी फ्रेश मलाई, एक बड़ा चम्मच। अगर आपके पास मलाई फ्रेश नहीं है तो आप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये सब्जी में अच्छा सा टेस्ट आएगा। देखिए देखने में चाहे ये नॉनवेज लगती है पर बिल्कुल 100% वेजिटेरियन रेसिपी है, बहुत हेल्थी और टेस्टी सी। इसको अगर आपको मेरी बनाई हुई सोया चाप की सब्जी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना, और पहली बार आए हैं तो शेयर भी ज़रूर करना। अब इसको हम गार्निशिंग कर देंगे फ्रेश हरे धनिए के साथ। अगर आपको मेरी बनाई हुई सोया चाप की सब्जी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और मिलेंगे जल्द ही हम एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।